बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले वी शुड नो दैट व्हाट इज द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इज द ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स है। वन इज कॉल्ड बेस, लेट इट से एक्स, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, लेट इट से वाई, एंड थर्ड वन इज हाइपोटेन्यू, लेट इट से आर। इसको आर कह ले हम। अब देखिए बेटा, हमने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल दिस इज कंसिडर एज थीटा, तो इन फ्रंट ऑफ थीटा, थीटा के सामने जो भी साइड होगी दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और दी साइड विच इज इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और जो रिमेनिंग रह गई दैट इज नोन एज बेस। उसको हम बेस कहते हैं, क्योंकि इन राइट एंगल ट्राइंगल देयर आर 3 साइड, वन इज कॉल्ड बेस, सेकेंड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये भी मैंने आपको बता दिया कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और जो थीटा हम कंसिडर कर रहे होते हैं उसके सामने इन फ्रंट ऑफ दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर। अगर यही थीटा यहां पे आ जाए तो फिर इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाला परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं, ये थीटा है हमारा। अब बेटे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जिसको मसला फिसागोरस भी कहते हैं, गोरस थ्योरम, इस थ्योरम के मुताबिक हमने पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल के मुताबिक जिसका नाम फॉर एग्जांपल हम ए बी सी रख लेते हैं, इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या दिया, जाहिर किया हमने आर से, तो आर का स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास, एक्स, एक्स का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, वाई, वाई का स्क्वायर। लॉजिक ये आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसको यू भी लिख लें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है तो ये इक्वेशन ही है। हमने इसको तरतीब चेंज कर ली, ये इधर लिख लिया और ये आर स्क्वायर इधर लिख लिया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर पे डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अब हम इसको यू लिख सकते हैं, एक्स ओवर आर होल स्क्वायर प्लस वाई ओवर आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि एक्स ओवर आर, एक्स क्या है हमारे पास, बेस है, और आर के हमारे पास हाइपोटेन्यूज, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस वाई के हमारे पास परपेंडिकुलर है ओवर आर के हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। अब अगर हम इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो ये हमारे पास बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हेंस दी प्रूफ, यही प्रूफ है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसे 2-3 फार्मूले हम निकाल सकते हैं। मसलन मैंने साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आ गया। अगर मैं इधर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रख लेता हूं और साइन को उधर ले जाता हूं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे नेक्स्ट फार्मूले भी हम निकाल सकते हैं, जैसे ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं साइन स्क्वायर थीटा पे, तो ये पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। इससे पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बता चुका हूं कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेकेंट थीटा होता है, जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है
वो सेकेंट थीटा होता है और जो टैन का रेसिप्रोकल होता है वो कॉट थीटा होता है। और भी मैं आपको दो तीन फार्मूले बता चुका हूं कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, इसको क्लियर किया जा सकता है, साबित भी किया जा सकता है। और कॉस थीटा ओवर साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। अब देखेंगे आप कि कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है कॉट थीटा। अब ये स्क्वायर है तो हम इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये से कट गया वन आ गया इज इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल मैं बता देता हूं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बना। तो इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा। तो आज के लिए इतने लेक्चर है स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। प्रूव करने के लिए हमने प्रूव करना है आज साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्राइस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले वी शैल कंसीडर द राइट एंगल ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। हमने कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जो थीटा के सामने इन फ्रंट ऑफ थीटा जो बेस सॉरी साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और 90 के सामने जो हाइपोटेन्यूज होता है और जो बाकी रिमेनिंग साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं। अब हमने अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज वहां पे हमने आर से शोर किया, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी मैंने तरतीब चेंज करके लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, फिर हमने इसको आर स्क्वायर में डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अब बेटा मैंने इसको एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर लिख लिया, एक्स ओवर आर फोर स्क्वायर प्लस वाई ओवर आर फोर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया वन आ गया। अब बेस एक्स क्या उस फिगर में हम देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे बेस क्या, एक्स जो है वो बेस है और आर क्या हाइपोटेन्यूज, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज प्लस वाई क्या परपेंडिकुलर, आर क्या हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो अब उसके बाद हमने क्या किया कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस थीटा, क्योंकि उसका स्क्वायर है तो हमने इसको कॉस स्क्वायर थीटा, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ओवर साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन आ गया। इससे दो फार्मूले मैंने करे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी मैंने साइन इधर रहने दिया कॉस उधर लेगा, अब कॉस को इधर रहने दिया साइन को उधर वन माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इसको डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर थीटा पे, तो ये था कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ओवर साइन स्क्वायर थीटा। कॉस ओवर साइन जो होता है कॉट होता है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये कैंसिल होकर प्लस वन आ गया इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर, अगर हम इसको कॉस स्क्वायर पे डिवाइड करें। तो ये आज का लेक्चर है, आई होप दैट यू विल लर्न इट एंड आप समझ भी चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।